दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही थी, तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। तो आज हम लोग का है कॉलेज पे टीचर्स डे। टीचर्स डे पार हो चुका है, बट उस दिन हम लोग नहीं मना पाए थे कुछ रीज़न से, क्योंकि बहुत कोई को टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हम लोग मनाएंगे, तो मैं अभी जाऊँगी। और अभी देख सकते हो मेरा घर में बहुत सारा फूल वगैरह खिला हुआ है यहाँ पे, तो फटाफट सब कुछ कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा देर में ही निकलेंगे, और मेरा कॉलेज थोड़ा यहाँ से दूर पड़ता है, लोगों तो पता ही है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा बेड वगैरह क्लीन कर लेते हैं अपना रूम का। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पूरा फूल वगैरह खिला है ना, तो और ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस साइड पे आप लोग देख सकते हो मम्मी का सारा कपड़ा वगैरह वॉश हो चुका है, सुबह सुबह मम्मी सारा कपड़ा वगैरह वॉश कर चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं इस साइड पे। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ अपना कॉलेज, अब पहुँच गए हैं। मेरे से पहले ही मेरा बहुत सारा फ्रेंड और जूनियर लोग पहुँच चुका था। हम ही लोग अभी सीनियर है, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट ईयर है और लास्ट टीचर्स डे है कॉलेज में, क्योंकि अगला साल से हम लोग निकल जाएंगे कॉलेज से, तो कॉलेज में टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आ चुके हैं। और आज मैं देने वाली हूँ स्पीच, इसीलिए मैं अपना स्पीच याद कर रही थी यहाँ पर, मेरा लिखा हुआ था कॉपी में, मैं थोड़ा बहुत देख ले रही थी। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड गाना बजा रही है, बहुत ही मज़ा हो रहा था और इन्जॉय हो रहा था। यहाँ देख सकते हैं मेरा स्पीच लिखा हुआ है, तो उसको ही थोड़ा बहुत देख ले रहे थे, तो प्रोग्राम वगैरह है। तो अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ी, आप लोगों को एक बार घुमा के दिखाते हैं फाइनल कैसा लग रहा है सजाया हुआ। तो बाहर से चलते हैं और बाहर से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। देख सकते हैं सारा डेकोरेशन करके हम लोग का, जितना भी सैल मैम है, हम लोग का डिपार्टमेंट है, हम लोग सब कोई को वेलकम कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं सारे सर मैम आ चुके हैं, हमारे डिपार्टमेंट में 3 मैम और 2 सर हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कोई आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे कुछ ही देर में। और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ सर मैम का, रिव्यू से जितना हम लोग को पता चला। तो यहाँ पे हम लोग सर मैम का वेलकम कर ले रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे रोज़ देख के हम लोग वेलकम कर ले रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट ईयर है, तो इसीलिए हम लोग बहुत ही अच्छा से सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो इस तरह से हम लोग में टीका लगा के वेलकम किया जाता है और रोज़ दे के वेलकम किया जाता है, बहुत ही अलग अलग होता है। बट हम लोग को संस्कृत डिपार्टमेंट में इस तरह से कुछ मतलब हम लोग ने सोचा और हम लोग ने किया। तो ये मेरी फ्रेंड यहाँ पे वेलकम कर ले रही है मैम सर सब कोई का, और यहाँ पे मैं बार बार अपना देख सकते हैं डॉक्टर फोटो को बहुत ही अच्छे से साफ सजाया गया और माला गया है। अब यहाँ पे एक एक करके सर मैम लोग उनको जो फूल है वो दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब सर मैम लोग अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे और हमारे सर यहाँ पे पेट पाठ करेंगे। चलिए देख लीजिए। दसम अनुवाकः ओम यश्चंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्यमिता संभवुव शमेन्द्रो मेधया आश्विनोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं
शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेखया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देख लिए हमारे सर बहुत ही अच्छे से वेद का पाठ किए हैं, तो हम लोग को ऐसे ही सिखाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं सारे सर मैम आ चुके हैं, अब हम लोग कर लेंगे केक कटिंग। तो चलिए करते हैं केक कटिंग। मैम लोग एक साइड दो केक लाया गया है, एक टीचर्स काटेंगे मतलब सर लोग काटेंगे, एक मैम लोग काटेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैम लोग काट रही हैं, तीनों मैम मतलब देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फंक्शन वगैरह ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे सर मैम बहुत ही अच्छे हैं, तो यहाँ भी हम लोग को सब कुछ निकाल के दे रहे हैं खाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए आप लोग का हालत देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हालत हो गया, पूरा मुँह वगैरह सूख गया है, फेस वगैरह, क्योंकि बाहर में धूप गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ गए हम लोग सीधा डांस करने, यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं। बस के लिए वेट कर रहे हैं, और ये हम लोग का कॉलेज का गेट, इधर से भी जा सकते हैं और उस साइड से भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक बस आती है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं।